है आकाश में बिजली गड़के और करे हाल बेहाल पर संत के पाव महान हे देखो शक्ति करे संहार ये जो शेर रे करे गर्जना दसुतिव पाल कापे मुख पे तेज त्रिशूल हाथ में सारा मंडल कापे प्रकट हो जाए जननी अम्बा प्रकट हो जाए जननी अम्बा अद्भुत रूप में आके हो मा तेरा अघोर नगारा बाजे हो मा तेरा हो अघोर नगारा बाजे अघोर नगारा बाजे हे मा के अजब मंदिर मंदिर घंटा तेरा बाजे हो मा तेरा अघोर नगारा बाजे अघोर नगारा बाजे हो मा तेरा हो अघोर नगारा बाजे अघोर नगारा बाजे ए आकाश पल में चीर के घूमती फिर धीरे मातमो माइयाए माइयाए उठनी पे सवार रे त्रिशूल धारी रे मामो माइयाए माइयाए पर्वत पर्वत मंदिर मंदिर घंटा तेरा बाजे हो मा तेरा अघोर नगारा बाजे अघोर नगारा बाजे हो मा तेरा हो अघोर नगारा बाजे अघोर नगारा बाजे ओ खम्मा खम्मा जोगनिया करे रे उधार मेलड़ी बलि पे हुई रे सवार ओ माले ना टूटा खबर लिया अपने हाथ चार चार जोगनिया खड़ी है साथ तेरा अघोर नगारा कामदार जी बापू कौन बजा रहा है ये ढोल और नगारे क्या वो लोग जानते नहीं है कि कालू बाग के राजमहल में नाच की महफिल में
उनके ताल से भंग पड़ता है। अरे बापू, वो तो खोड़ियार माँ के मंदिर में नंगाड़ा और ढोल बज रहे हैं। जाओ और बंद कराओ ये धमाल। अच्छा, माँ खोड़ियार की आरती के ढोल नगाड़े से तेरा ठाकुर कालूवाग के नाच मुजरे में भंग पड़ता है? तो कह दो तुम्हारे ठाकुर कालूवाग को कि उसका राज दरबार नहीं है, माँ का धर्म दरबार है, और तुम्हारे दरबार से माँ का धर्म दरबार बड़ा है। तेरे ठाकुर जैसे कई ठाकुर यहाँ शीश झुकाते हैं। जग पर हुक्म करने वाली जगत जननी पर किसी का हुक्म नहीं चलता। अच्छा, ये है तुम्हारा जवाब। और कहना तुम्हारे ठाकुर कालूवाग को कि सोनगढ़ के सिंहासन पर भले ही उसकी सत्ता हो, परंतु प्रजा के हृदय के सिंहासन का राजा तो है हमारे साथ। कालूवाग, आज हाथ में सिर लेके अमरसेन आया है, इस राज का सच्चा वारिसदार आया है। अच्छा, राज सिंहासन का अधिकार मांगने, या तो ये राज मुझे सौंप दे, नहीं तो हथियार लेकर मैदान में आ जा। अमरसेन, जिस तरह आए हो उसी तरह लौट जाओ। चाचा के बेटे हो, इसलिए खून के रिश्ते पर तलवार का वार करने में मेरे हाथ रुक रहे हैं। खून के रिश्ते की बात करते हो? दगाबाज दुर्योधन, याद कर वो दिन जब तुम्हारी आंखों में चौधार आंसू थे और दुश्मनों की तलवारों को तुम्हारे खून की प्यास लगी थी और मौत तुम्हारे सर पर मंडरा रही थी। तब मैंने तुम्हें इस राज में सहारा दिया था। मुझे धोखा देकर राज सिंहासन पर बैठा और धोखे से राजगढ़ के दरवाजे बंद करवा दिए। राज सिंहासन के अरमान लेकर अमर सेन आया है, और वो भी इस राजगढ़ के आंगन में। जान प्यारी हो तो वापस चले जाओ अमर सेन। इस राजगढ़ के आंगन में मेरे कुंवर कालूवाग की तलवार से तुम्हारा सर कट गया तो तुम्हारे मौत पर रुदन करने वाली तुम्हारी माँ तो मर चुकी है। तो तुम्हारी मौत का रुदन कौन करेगा अमर सेन? अरे रुदन तो आप करेंगी, और ये वो भी अपने बेटे कुंवर कालूवाग का। कालूवाग, तलवार से वार करो और उतार लो इस अभिमानी का सर। देख लिया कालूवाग, अमर सेन का ये पहला पर्चा। और फिर भी अमर सेन की मर्दानगी से खेल खेलने की तमन्ना हो तो एक और मौका देने की उदारता ये अमर सेन निछावर करता है। है कोई? Yeah.
कालूबाग, अरे तेरे 100-100 सैनिक और ये अमर सेन अकेला। मेरी तलवार नागिन बन के तुम्हें डस गई माँ। हर दुश्मन अपनी माँ का बदला लेकर चला गया माँ, अपनी माँ का बदला लेकर चला गया। मेरी तलवार नागिन बन के तुम्हें डस गई माँ। हर दुश्मन अपनी माँ का बदला लेकर चला गया माँ, अपनी माँ का बदला लेकर चला गया। ठाकुर शांत हो जाओ। ठाकुर ठाकुर मेरी बात मानोगे? ठाकुर बोलो राजपुरोहित जी। माँ खोडियार के आशीर्वाद से अनेक मुर्दे जिंदा हुए हैं। राजमाता को धाई माता के मंदिर में ले चलो, उनका आशीर्वाद होगा तो राजमाता अवश्य जवाब देंगी। माँ खोडियार के मंदिर में? हाँ ठाकुर, अपना अभिमान त्याग कर मेरे साथ चलो, माँ के चरणों में शीश झुकाओ। अरे माँ तो दया की देवी है, मानव के अपराध माँ नहीं देखती। ठीक है पुरोहित जी, राजमाता सजीवन हो जाए तो किसी के सामने न झुका हुआ ये मस्तक उनके सामने झुक जाएगा। ओ कौन ठाकुर कालूबाग, माँ खोडियार के मंदिर में आए हो? हाँ महाराज, अपनी माँ के प्राण की भीख मांगने आया हूँ। जोग माया खोडियार की आरती के नगाड़े बंद करवाने वाला कालूबाग माँ के चरणों में मस्तक झुकाने आया है? माँ की जुदाई का गम न सह सका ठाकुर, तेरी माँ के प्राण मांगने माँ खोडियार के शरण में आ गए हो तुम? हाँ मैं बहुत आशा लेकर आया हूँ। राज सिंहासन और राजध्वज के अभिमान में अंधे हुए ठाकुर, किसी भी दिन माँ खोडियार के ध्वज के सामने तुमने हाथ जोड़े हैं, किसी भी दिन नंगे पाव तुमने आकर माँ खोडियार की आरती को नमन किया है। ताना मत मार धाई माँ, मेरे जीवन में मेरी माँ की मौत की आग सुलग रही है। अरे सोने की लंका जल गई तो भी राम के सामने रावण नहीं झुका, आज ठाकुर कालूबाग माँ खोडियार के सामने शीश झुकाएगा? हाँ धाई माँ, मैं अपनी माँ के जीवन दान के लिए मस्तक झुकाऊंगा। बस स्वार्थ के लिए माँ के शरण में आए हो? जिसके हृदय में भक्ति और प्रेम की ज्योति जलती है उसी को माँ खोडियार के सामने आशीर्वाद मांगने का हक है। तुम्हारे हृदय में श्रद्धा की किरण माँ? जोग माया के हृदय में तो सदा आशीर्वाद की अखंड ज्योति जलती है और उसके आरती की ज्योत की ज्वाला मेरे भी अंतर को उजाला देता है। मैं चरवैया की बेटी हूँ, तेरी माता को सजीवन करने का उपाय मैं आंखों के सामने देख रही हूँ धाई माँ, लेकिन उपाय कठिन है ठाकुर। धाई माँ मैं अपनी माँ के प्राण के लिए अपना राज भंडार लुटा दूंगा। राज भंडार लुटाने से गए हुए प्राण वापस नहीं आते, उपाय एक ही है, कोई 32 लक्षण वाला पुरुष माँ खोडियार के आंगन में उसकी छोटी उंगली से बहता हुआ खून तेरी माँ के शरीर पे छाटे तो ही वो जीवित हो सकती है। लेकिन मैं 32 लक्षणी पुरुष ढूंढूं कहाँ से धाई माँ? है ठाकुर है, धरती बांझ नहीं है जिसके राज सिंहासन के लिए तू वर्षों से उतावला हो गया। ये अमर सेन 32 लक्षण वाला पुरुष है, उसके चरण छू ले। मैं दुश्मन के पैरों में मस्तक झुकाऊं? ये एकमात्र उपाय है, तेरी माँ के जीवन की बाजी अमर सेन के हाथ में है। कामदार जी बापू, मानगढ़ जाकर अमर सेन को समाचार दो कि सोनगढ़ में उसका इंतजार हो रहा है। नहीं, मेरे दुश्मन की माँ को सजीवन करने के लिए उसके शव पर खून तो नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आपके और उनके खून के रिश्ते को तो याद करो अमर सेन। खून का रिश्ता? अरे खून के रिश्ते को तो उसने कब का मिटा दिया, बस अब तो उसकी माँ की मौत का तमाशा देखने मैं मन दे रहूंगा। आ गए मेरे भाई, आ गए भाई, मेरी माँ के शव पर तुम अपनी छोटी उंगली का खून छिड़क दो और मेरी माँ को जिंदा देखने की मेरी आशा को पूरा करो मेरे भाई। क्यों नहीं, जिसकी कोख में तेरे जैसे बेटे पैदा होते हैं
जिसके आंचल में विश्वास के अमृत के बदले विश्वासघात और बैर की नदियां बह रही है, ऐसी तेरी माँ को जीवित कर दूं? ऐसा मत बोलो मेरे भाई, मैं अपनी माँ को जिंदा करने के लिए तुम जो भी मांगो वो देने के लिए तैयार हूँ, और तुम्हारे चार बूंद खून के बदले मैं तुम्हें 40 गांव दे दूंगा राज करने के लिए। अरे हट, बोल कालू बाग, बोल। तेरी माँ के बदले अगर किसी और को जीवन दान मिल सकता है तो ये अमरसेन अपनी गर्दन कटवा देगा। ऐसा मत बोलो मेरे भाई, ऐसा मत बोलो। अरे तू कहे तो मैं तुम्हें सोनगढ़ का राज सिंहासन दे दूं। अरे सारे संसार का साम्राज्य दे दे तो भी नहीं, और सोनगढ़ का राज तो मैं अपनी ताकत के तलवार से लूंगा। मेरे भाई ये कालू बाघ तुम्हारे पैरों में मस्तक झुकाता है मेरे भाई। अरे मैं अपने माँ के बिना अधूरा हूँ मेरे भाई। हाँ मेरे भाई, माँ बिना मेरा ये संसार कड़वे जहर जैसा हो जाएगा। मैं भी अपनी माँ के जीवन के लिए हाथ जोड़कर विनती कर रहा था कालू बाघ। याद कर वो दिन। अरे अमरसेन, तुम्हें मरता देख तुम्हारी माँ सर पटकेगी, और उससे पहले मैं तुम्हारी नजर के सामने तुम्हारी माँ को जिंदा जला दूंगा। ले जाओ कालू बाघ। बेटा, बेटा, माँ, बेटा मुझे बचाओ। नहीं कालू बाघ, नहीं, मुझे बचाओ बेटा। कालू बाघ, तुम्हारे दिल में दया का छींटा भी हो, अगर तुम्हारे अंतर में किसी भी कोने में इंसानियत मुंह छुपाकर बैठी हो, तो मैं तुम्हें हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, कालूबाग, दुहाई है मुझे मेरी माँ के दूध की। अरे सोनगढ़ के सिंहासन के लिए तेरे सामने तलवार कभी नहीं उठाऊंगा। कालूबाग, मेरी माँ को छोड़ दे, मेरी माँ को छोड़ दे कालूबाग, छोड़ दे। चला दो इस बुढ़िया को। नहीं, नहीं कालू बाग, नहीं। अमरसेन, देख लो। अरे आंख उठा के देखो अमरसेन, तुम्हारी नजर के सामने तुम्हारी माँ की चिता जल रही है। अब अपने ही हाथों से अपनी माँ की चिता जलाकर उसकी आंख के सामने सर पटक पटक कर माँ माँ करते हुए उसे याद करना कालू बाघ। अमरसेन, आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। अरे मेरी माँ की चिता की आग तो बुझ जाएगी, पर मेरे दिल में लगी अपनी दुश्मनी की आग कभी नहीं बुझेगी, कभी नहीं बुझेगी। अमरसेन, बोलो। प्रगट हिंद वापी हे पीर जी, जी 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 जी, हे प्रगट हिंद वापी। Bye.
जावे तो बहना दमड़ी रे मांगे। हो दमड़ी में कहाँ से ले आओ मेरी बहना, दमड़ी मांगे तो हर जी दमड़ी ले आए। हे तेरा पंडित होके आए मेरा वीर जी, तेरा पंडित होके आए मेरा वीर जी। राम दे परनावे तुम परिणो भाटी हर जी, बाबा राम दे परनावे। लुगाई आवे तो बहना कपड़ा रे मांगे। हो कपड़ा कहाँ से ले आओ मेरी बहना, कपड़ा मांगे तो हर जी कपड़ा ले आए। हरी चरणों में भाटी हर जीरे बोले, हो संसार बिना सगाई शोभे ना मेरी बहना। धन रे धन भाग्य तुम्हारा धन भाटी हर जी। हो स्वर्ग में सगाई करो रे मेरे पीर जी, स्वर्ग में सगाई करो रे मारा बाप जी। राम दे परनावे तुम परिणो भाटी हर जी, बाबा राम दे परनावे। मेरे सोनगढ़ के सीमा पर ये ढोल नगारे बजाकर जिसका उत्सव आज मनाया जा रहा है, बंद करो ये राजगढ़ के ठाकुर, कालू बाग का हुक्म है। आप तो सोनगढ़ के ठाकुर हैं, 5-15 गांव के मालिक, लेकिन ये तो मालिक के मालिक रामदेव पीर की आरती का उत्सव है, रणुजा के राजा की आराधना है। अरे राजा की आराधना हो या महाराजा की, आज मेरे राज में राज माता के अवसान का शोक है और मेरे राजगढ़ की सीमाओं में ये कालू बाग के हुक्म के बिना बादल गरजना, बिजली चमकना या बारिश भी बरस नहीं सकती है। इतना अभिमान ठाकुर, बादल का गरजना, बिजली की चमकार और सावर की झड़ी को तो कोई सीमा भी नहीं रोक सकती। तुम्हारे राज्य की सीमा जैसी सीमाएं तो मैंने बहुत देखी। ए लड़की, मार बाट से लेकर धरती के चारों कोने मैंने देख लिए, पर देव देवियों के उत्सव के ढोल नगारे बंद करवाने वाले ठाकुर को तो मैं आज पहली बार देख रही हूँ। ठाकुर, हम पर हुकुम करने वाला तो एक ही है, रणुजा का राजा, हिंद के पीर,
तो फिर देखना पड़ेगा तुम्हारे उस हिंडवा पीर को। तो फिर आंखें खोल कर देख ले, ये रहा मेरा नाद, हरे घोड़े पर सवार पश्चिम धरा का पीर। आ, तो ये है तेरा पश्चिम धरा का पीर, रणुजा का राजा, जिसके सामने तुम पैरों में घुंघरू डालकर नाच रही थी। ए, नाच मुजरा करना हो ना तो आओ मेरे राजमहल में, तेरा तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। मैं नाच मुजरा करने वाली नहीं हूँ, बाबा रामदेव पीर की पुजारन हूँ। पैरों में घुंघरू बांधकर नाचो तो रामा पीर के सामने तुम्हारे जैसों के राजमहल में नहीं। ए लड़की, इतना अभिमान, उठाओ अपना ये डेरा तंबू, नहीं तो जला दूंगा। तुम्हें पता है कि मैं इस राजगढ़ का ठाकुर कालू बाघ हूँ। अरे हट, तलवार का डर ना दिखाओ ठाकुर। अरे ऐसी तलवारों पर पैर रख कर मैं तो पीर जी की आरती उतारती हूँ। हट, सिपाहियों जला दो बस्ती को। अंदर ले चलो। पीजिए, दूध पीजिए, दर्द कम हो जाएगा। नहीं पीना है, खून पीना है दुश्मन का। हाँ? Thank you.
जाते अपनी पहचान तो देते जाओ। अनजाना रहना ही ठीक है बेटा, पहचान हमें नहीं मिलेगी क्योंकि ये पराया देश है और हम परदेसी हैं। हमारे लिए जिसने तलवार के वार सहे उसका अगर नाम भी ना पूछे तो हम इंसान नहीं कहलाएंगे बापू। अनजानी जगह के लोगों का नाम गांव ठिकाना नहीं पूछते बेटी, हम तो आज यहाँ तो कल वहाँ, हम तो माया और दुलार के गोद में पलने वाले बन जा रहे हैं। इस धरती की तासीर ही ऐसी है बापू कि माया और ममता एक दूसरे से अपने आप में जुड़ी होती है। तुम्हारे माथे पर रामदेव पीर बाबा की विभूति का तिलक है, ये मत भूलना बेटी। इस तिलक की लाज उस मालिक के हाथ। धरती की छाती पर से दुश्मन सदा के लिए विदा हो गया। अमरसेन मुबारक हो। दुश्मन के मौत का उत्सव मना रहे हो बेटा? माँ किस खुशी के कारण शराब को मुंह से लगाकर हंस रहे हो बेटा? दुश्मन मरा नहीं, अभी तक जिंदा है। दुश्मन जिंदा है? सिर्फ जिंदा है इतना ही नहीं, तेरी मौत के दिन गिन रहा है। राजमाता अमर की मौत यही मेरी मुक्ति, तुझे क्या लगा कि मेरी चिता की आग बुझ गई है? नहीं नहीं, तू स्मशान में जाकर देख बेटा, मेरी चिता की आग अभी भी सुलग रही है बेटा, अभी भी सुलग रही है। माँ ये आग पानी से नहीं बुझेगी काड़ू, ये तो बुझेगी अमर सेन के खून से, अमर सेन के खून से, अमर सेन के खून से। माँ वो आग मैं अमर सेन के खून से ही बुझाऊंगा। ले लो माँ की छतरी, ले लो माँ की चुनरी। जवान हमारे लिए सोनगढ़ आकर अपनी छाती पर तलवार के वार झेलकर ऐसे ही चलते बने, अरे एक आध दिन हमारी मेहमान नवाजी तो स्वीकारी होती। दुश्मन के घाव की वेदना कलेजे में काली नागिन बनकर डंक देती हो, वहाँ मेहमान नवाजी स्वीकारने का मन भला कैसे होगा। माँ की स्थापना के पास जोत जलाने वाला घर में कोई नहीं है? माँ थी लेकिन वो स्वर्ग से धर गई। माँ की स्थापना को ऐसे सुना नहीं रखते। जब तक मेरी माँ का बदला लेकर राजगढ़ की अगद्दी हासिल न कर लूं तब तक स्थापना के पास जोत नहीं जलाऊंगा। इस दिए के उजाले से मेरे अरमान पूरे नहीं होंगे। जगदम्बा के जोत के उजाले से जिसके अरमान पूरे ना हो उसके अरमान 100 सूरज की रोशनी से भी अधूरे ही रहेंगे। इस जोत के सामने नजर झुकाकर नमन कीजिए। माँ की ममता से मुंह नहीं फेरते। माँ तो मर गई। वो तो थी जन्म देने वाली माँ और ये जीवन देने वाली। जीवन नहीं, ये अमर सैन मौत को पुकारता है। लेकिन इससे पहले एक बार सोनगढ़ के राजगढ़ पर मेरे नाम का राजध्वज लगाना है। अकेले के बाहुबल से या तलवार की धार से राजगद्दी हासिल नहीं की जा सकती, इसमें तो माँ का आशीर्वाद चाहिए। नमन कीजिए इस माँ की जलती जोत को। माँ, नहीं, माँ, मेरा मन नहीं मानता। आज नहीं तो कल मैं आपका मस्तक जगदम्बा के चरणों में जरूर झुकाऊंगी। जामनगर का सुरमा ले लो। अरे अरे एक बार आंखों में लगा और फिर मेले में जाओ तो आंखें खो बैठो किसी की आंख में। आओ आओ, अरे अपना सुरमा मेरी आंखों में भी लगाओ।
ए सेठ, सुरमा ऐसे चखते नहीं। जिसकी सुंदर आंखें हो उसकी आंखों में लगाकर जरा सा और भी जरा सा। ये तुम्हारा बोझ है ना, मुझे तुम पर अच्छा नहीं लगता। लाओ, मेरी कसम मेरी कसम, थोड़ी देर रुको ना। तुम इस गली से गुजरती हो तो पूरी गली फूल की तरह महकने लगती है। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें सूंघता रहूं। मुंह दूर रखो सेठ, सेठ मुंह दूर रखो। इसे सूंघने जाओगे ना तो जोर से छींक आ जाएगी। गंदा कहीं का, दूर खड़े रहो ना, एक तो नाक से गंदगी उड़ाते हो। गुस्सा मत करो, लाओ पोंछ देता हूँ। सीधे खड़े रहो सीधे। नाक में जो भी बची कुची गंदगी होगी ना, वो एक झटके से निकाल दूंगी, क्या समझे? छोड़ दो। तो बोलो, कभी पराई स्त्री को छेड़ने की हिम्मत करोगे क्या? छोड़ दो। तुम्हें पता है मैं सोनगढ़ का नगर सेठ हूँ। एक उधार ले गई और पैसे नहीं देती, और वापस मांगता हूँ तो लोगों के सामने मुझे बदनाम कर रही हो। हाँ तो बोलो ना, कितने चाहिए तुम्हें? ताकि अभी के अभी दे दूँ रोकड़ा। चलो आगे चलो दुकान में। तुम सब क्या देख रही हो, चलते बनाओ अपने घर में। चल। आए सब तमाशा देखने। चल चुप रहो। चल चलो सेठ। ये देखो तुम्हारा हिसाब। ए सेठ, मैं कहाँ पढ़ी लिखी हूँ, तुम ही आंकड़ा बता दो ना, मतलब जो देना है दे दो। वो तो देना ही पड़ेगा, मुफ्त का नहीं है, समझी? लेकिन तुम्हारी कसम, ये पैसे मुझे तुमसे नहीं लेने हैं। गांव के सामने तुम मेरी बेइज्जती कर रही थी ना, इसलिए मांगा। ए सेठ, जरा आंखें तो ऊपर रखो ना, अच्छा सा सुरमा तुम्हारी आंखों में डाल दूं। अरे दूर रहो, एक बार सूंघा तो मुझे छींक आ गई और झगड़ा हो गया। ए सेठ, देखो तो तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ, खास तुम्हारे लिए लाई हूँ। मेरे लिए खास मोगरे का अत्तर है, सूंघो सेठ। सुनते रहो सेठ, सुनते रहो। कश्मीर के मोगरे का अत्तर, सुनते रहो सेठ, सुनते रहो। हाँ, सुनते रहो। अभी ऐसी है तो जवानी में कैसी रही होगी, लेकिन रोकड़ चंद तेरी जवानी गई। जब जवानी चली गई और गई चटकती चाल, इस सर पे भी घने बाल थे, कभी अब रह गई टकली टाल। मैं जहां चला जाऊं बहार चली आए हो, महक जाए रहा मैं धूल में बन। ओ बापू, बापू क्या है दुकार? ओ हो हो, मेरा नाम दुकाल नहीं है, दोकर है, दोकर। अच्छा ठीक है, बोलो। अरे बापू, गली गली आवाज देती रूपमती अपने सोनगढ़ में आई है। क्या कहा, रूप? हाँ रूप, हाँ रूपमती, रूपमती सोनगढ़ में। अरे चलो चलो चलो, जल्दी चलो। ए हरे घोड़े लो, छत्र लो, त्रिशूल लो। अरे आओ बाबा रामदेव जी की पुजारन, आओ। अरे आज सोनगढ़ में जब आ ही गई हो तो मेरे राजमहल में भी आ जाओ। ए उस दिन तुमने ही तो कहा था ना कि बाबा रामदेव जी के सिवा तुम किसी के सामने पैरों में घुंघरू बांध कर नहीं नाचती हो। अरे आज मेरे राजमहल में आकर अपना मुजरा दिखाओ और मेरी आशा पूरी कर दो ना। उसे आशा नहीं कहते ठाकुर, अंधापन कहते हैं, और अंधे अभिमान का परिणाम तो जानते हो ना। ए परिणाम की फिक्र करने वाला ये कालू बाग नहीं है। अच्छा आज मैं देखता हूँ कि तुम्हारे लिए कौन आएगा। आएगा ठाकुर, आएगा।
मेरी रक्षा करने द्वारका का धनी, जिसने अजमल के घर अवतार धारण कर हरे घोड़े पर सवारी की, वो धनी रामदेव जी आएंगे। देखो देखो, मेरे पास रामदेव जी के हरे घोड़े हैं, हाथ में जोग माया का त्रिशूल है। ए, ऐसे चितड़े के घोड़े जो तेरे जादू से जिंदा हो जाएंगे ना, तो उस पर ये कालू बाघ उछल के चढ़ेगा और सवारी करेगा टिकड़िक टिकड़िक। उस पर सवारी करने वाला तो एक ही है ठाकुर, अलग धनी। घर के दरवाजे खुलवाओ ठाकुर, देर हो गई तो अजमल के कुंवर मेरा इंतजार करेंगे। मेरे बगैर उनके आरती के दिए कौन जलाएगा? अरे आज तू मेरे राजमहल में आकर दिया भी जलाएगी और मुजरा भी दिखाएगी, तिड़क धुम तिड़क धुम। मेरे रास्ते से हट जा ठाकुर, नहीं तो तेरे आग के दिए बुझ जाएंगे। मौत की परवाह मुझे नहीं है, समझी? जय अलग धनी। जय हिंद के पीर। रोकरचंद सेठ, हाँ? लेन देन की बातचीत हो गई, अब आपके बेटे गांगड़चंद सेठ और मेरी बेटी चंपा गौरी की सगाई पक्की। लेकिन मेरी एक छोटी सी शर्त है। अरे कामदार, आप एक शर्त नहीं थैली भर कर शर्त रखो। इस शादी का मंडप तुम्हारी हवेली के इस आंगन में डालेंगे। डालिए, जहाँ डालना डालिए, पूरी हवेली ही आपकी है। ये मेरी बेटी चंपा गौरी है ना, वो घोड़ी में चढ़कर हवेली में बारात लेकर आएगी। अरे हाथी हो या घोड़ी, पहुँचेगी तो हमारे ही घर पर ना। रोकरचंद सेठ, तो बुलाओ दूल्हे राजा को, उन्हें कन्या भी देख ले। दूल्हा तो पेटी पर बैठकर व्यापार कर रहा है। बेटा चंपा गौरी, जाकर दूल्हे राजा को देख लो। देख लो, धीरे धीरे। ले जा ले जा, तुझे जितना चाहिए उतना माल ले जा। दूल्हे लादा, ओ दूल्हे लादा, तुम मेला घूंघट खोल दो ताकि तुम मुझे देख सको। अरे अरे अरे, पर तू है कौन? एक फूल, दो कंतन, मैं कामदाल की तंपा तली। ए, 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 तुम्हें पता है मेरे और तुम्हारे पिताजी ने अपनी कल दी ठगाई। वो अपनी नहीं होगी, उनकी की होगी। अरे ओ मुर्गिया, पहले अपनी बोबड़ी तो ठीक करके दिखा। ए, ए, मैं तोतली नहीं हूँ, हाँ तोतली नहीं हूँ। वो तो है ना मुझे घर में जब प्याल थे बुलाते हैं ना, इसलिए मैं प्याल थे बोलती हूँ दूल्हे लादा। अरे अरे ओ वर राजा, ओ वर राजा, देख लो अपनी काली सुंदरी को। बापू, ओ बापू, ये देखो मुझे गुप्ता कहती है, मैं तेरा नाम बोलूंगी। अरे क्या हुआ मेरी बेटी चंपा गौरी को? क्या हुआ बेटी, क्या क्या हुआ चंपा? बापू, वो जो पतली है ना, मुझे गुप्ता बोलकर ना तली गई। अरे खड़ा हो जा मेरा दूध, खड़ा हो जा। तो फिर से दुकान में घुसाया, फिर घुसाया तूने उसको दुकान में। अरे गांगड़चंद, अब तो आप सोनगढ़ के कामगार के जवाई हुए। भाइयों, आज से इस हवेली में पहरा रखो, जब तक मेरी बेटी चंपा गौरी की शादी नहीं हो जाती तब तक ये अकेले बाहर कहीं ना जाएं। चलो ध्यान रखो। हाँ, इस पर नजर रखो, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का। चलो। अरे बापू बापू बापू, अरे इसको तो ले जा। चलता चल तू और खाता जा खीर।
अरे तोतली लड्डू, तू जाके अपने बाप को खिला और खीर चाय तो मेरे बाप को खिला। फूल वाला, छाता ले लो, चूड़ी ले लो, चुनरी ले लो भाई, चुनरी, अरे हरे घोड़े ले लो भाई, और मैम साहब ले लो, अरे ले लो, ले लो, अरे ले लो चुनरी, अरे बहुत सस्ता है से। ए बहन, ए ठिगड़े वाली, तेरे बेटे को मेलेडी खुश रखे, ये ले जा छत्र और चुनरी ले जा। हाँ हाँ जा जा, ले लो खरीद लो, मुफ्त में देगी मेरी प्यारी। हाँ, बड़ी दानवीर की बेटी है। माँ को मन्नत चढ़ाते वक्त मेरी तरफ से भी पैर पड़ लेना, मुझे मेरी मेहनत का फल मिल जाएगा। ले लो, ले जाओ, भगवान तुम्हारा भला करे बेटी। ले 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 लो माँ की चुनरी, ले लो छत्र, ले लो त्रिशूल। आओ भाई आओ, लो ये प्रसाद, लो ये माँ मिलनी का प्रसाद है। लो भाई, ये साक्षात मां मिलड़ी का प्रसाद है। ले लो, माँ का प्रसाद है। माँ? हाँ माँ, मेरी तुम्हारी जगत मात्र की माँ है। लो बेटा, प्रसाद ले लो, अंतर में जलती आग कम होगी। आशा पूर्ण करने वाली जोग माया तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करेगी। आशा में तो आग सुलग रही है धाई माँ। मेरी राजगद्दी के अधिकार के लिए मैं सोनगढ़ के दरवाजे पर सर पटक रहा हूँ, फिर भी आशा पूर्ण करने वाली माँ अम्बा, माँ खोड़ियार या माँ मेलडी मेरी पुकार क्यों नहीं सुनती? मनुष्य की अनेक आशा पूर्ण करने वाली माँ कभी बच्चों की परीक्षा भी करती है, उससे उसकी ममता कम हो गई, ऐसा नहीं मानना चाहिए। ऐसी कसौटी क्यों? अरे जिसने चंड मुंड का संहार किया, राक्षसों को रण में मारा, दानों को काली नागिन के रूप में डस लिया, ऐसी माँ मेरी ही माँ को नहीं बचा सकी? अरे कालूबाग जैसे राक्षस की छाती को त्रिशूल से चीर क्यों नहीं दिया? बोलो धाई माँ, बोलो कौन सी श्रद्धा से इस माई मेलड़ी का प्रसाद लूं? दुख के बादल ना गरजे तभी मानव माँ के प्रसाद की आशा करता है। ले लो प्रसाद। ले लीजिए प्रसाद, ले लीजिए, ये पल फिर वापस नहीं आएगा। बिजली के झपके से श्रद्धा का मोती पिरो दीजिए। ए भक्तों का दुख जानने वाली, गरीबों की भावनाओं पहचानने वाली, अरे तेरे आंगन से कोई भक्त बिना प्रसाद लिए जाए तो तुम्हारा अपमान होगा। ले लो बेटा प्रसाद, ले लो, तुम हाथ बढ़ाओ। मैं साक्षात माँ मेलड़ी तुम्हें वरदान देती हूँ, तुम्हारे भाले के नोक पर मैं विराजूंगी, तुम्हारी तलवार की धार मेरा तेज होगा। जा, मेरा साक्षात माँ मेलड़ी का तुझे वरदान है कि आज से सवा महीने बाद सोनगढ़ के राज सिंहासन पर तुम बैठोगे। झुकाओ शीश, झुकाओ माँ मेलड़ी के चरणों में शीश झुकाओ, धरती की धूल को माथे से लगाओ, माँ मेलड़ी के कुमकुम पग चिन्ह है। है मैं तो मेलड़ी लोहे के दांत वाली, गड़ी मंकोड़ा के गोख वाली, ललकार के पुत्रे मंगाऊ मैं, कामरू दिस का मांगू रे मान। है आज दत्तू के मंडप से आया रे दा, प्रेम से ले ले अब माँ का प्रसाद। अमर सेन को माँ मेलड़ी के पुजारी ने प्रसाद देकर वरदान दिया है कि सोनगढ़ के सिंहासन पर वही बैठेगा। हाँ बापू। तो उस नकटी बावली मेलड़ी की ध्वजा को मैं तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, उसकी बलि के बकरे को राजगढ़ के आंगन में लाकर मारूंगा, देखता हूं कि उसकी मेलड़ी मुझे क्या करती है। जाओ मेरे घोड़े को साफ करो और जल्दी तैयार करो। कहां है, कहाँ है मेलड़ी का पुजारी? ये रहा ठाकुर, ऐसे माँ के मंदिर में चिल्लाते नहीं, मस्तक झुकाते हैं। अरे तूने अमर सेन को वरदान दिया है कि सोनगढ़ के राज सिंहासन पर वो बैठेगा? हाँ मैंने नहीं, वो माँ मेलड़ी का वरदान है और राजगढ़ पर उसका ही अधिकार है। तो उसका राज तिलक करने सोनगढ़ आना। आएगी ठाकुर,
माँ अम्बा जोग माया आएगी तो आने वाली जगदम्बा को मैं देख लूंगा। जिसकी आंख में अभिमान की आग सुलगती हो उसे उसे मेरी माँ दर्शन नहीं देती। ओ। चला जा, नहीं तो माँ मेलड़ी का ये बकरा इसके सिंह तुम्हारे सीने को चीर देंगे। अरे जा जा, तेरे मेलड़ी के बकरे का तो मैं सर काट दूंगा। माँ, माँ जिस हाथ ने आज तक तुझे सिंदूर लगाया है आज उसी हाथ से मैं तुझे लहू चलाऊंगा। आज आज मैं देख लूंगा इनकी बाबा और माँ मेलड़ी का साथ। सवा सवा मन उबलते तेल में ये हाथ डालकर मैंने मैंने नवेद चढ़ाया है। आज मैं देख लूंगा माँ मेलड़ी की शक्ति को। माँ आज मेरी भक्ति और तुम्हारा साथ कसौटी पर परखने की घड़ी आ गई है। चलाओ तलवार, चलाओ तलवार, करो वार, ये रहा बकरा, चलाओ तलवार। चलो 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 जल्दी चलो। माँ मेलड़ी की जय। माँ मेलड़ी की जय।
रुक छुपा के गोरी जो मन में तू रख ले, रुक छुपा के गोरी जो मन में तू रख ले, जीवन का ये साथी गोरी मुझको तू बना ले। हमारी नजर से मीठी प्रीत छलक गई रे गोराधे, गोरिल तेरी गली में मेरी नजरें लड़ गई, अरे रे हो नजरें लड़ गई, नजरें लड़ गई रे, मैं तो बावरी बन गई, साहिबा तेरी गली में मेरी नजरें लड़ गई, अरे रे नजरें लड़ गई। लहराती ओढ़नी घूंघट में गिर गई, चिकनी मोर कमर कागर नीचे सरक गई, अरे अंग लहराती ओढ़नी घूंघट में गिर गई। जो मन माने न कहना मेरा फट से घायल हुई रे साहिबा, साहिबा तेरी गली में मेरी नजर लड़ गई, अरे रे नजर लड़ गई, नजर लड़ गई रे, मैं तो बावरी बन गई, नजर लड़ गई रे, मैं तो बावरी बन गई, साहिबा तेरी गली में मेरी नजरें लड़ गई, अरे रे नजरें लड़ गई, बोला दे नजरें लड़ गई, साहिबा नजरें लड़ गई, नजरें लड़ गई, साहिबा नजरें लड़ गई, राधे नजरें लड़ गई, साहिबा नजरें लड़ गई, बोला दे नजरें लड़ गई, साहिबा नजरें लड़ गई। हे माँ, हमारी मनोकामना पूर्ण करना। माताजी के चरणों में छूना चढ़ाकर मेरी मानता पूरी करनी है। अरे लेकिन पहले चुनरी चढ़ाई जाती है। मैंने कहा ना पहले झूलना। जो कह रहा हूँ वो कर, नहीं तो अपनी सगाई से पहले ही झगड़ा हो जाएगा। झगड़ा होता है तो होने दो, पहले देखते हैं कौन जीतता है। हाँ। अच्छा हाँ। इतना मनाता हूँ फिर भी तू मानती नहीं तेरी जात की। अरे 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 बांगड़, रहने दो रहने दो रहने दो, स्त्री पर हाथ नहीं उठाते। ओ हो बापू। हाँ? आप इस मंदिर में आए? हम माँ की मन्नत पूरी करने आए थे। ओह तो फिर हमारा झगड़ा मिटा। हाँ? दीजिए। हाँ? ये कहती है कि माँ को पहले झूला चढ़ेगा। हाँ? और मैं कहता हूँ कि माँ को पहले चुनरी चढ़ेगी। पहले चुनरी चढ़ाते हैं फिर घोड़े। हाँ? यह है साखर। हाँ? बापू ये साकर है और मैं गांगड़। साकर और गांगड़। हाँ, अरे बापू बोला हुआ याद करा दूं? बोला हुआ वो क्या? अरे वो आपका वचन। आपने मुझसे कहा था ना कि जब आप सोनगढ़ की गद्दी पर बैठ जाएंगे तो कामदार मैं। अरे पगले गांगड़। राजपूत को वचन याद दिलाने की जरूरत नहीं होती। नहीं होती नहीं होती नहीं होती घड़ी कम्मा अन्नदाता। अब कामदार का अपना पक्का। चलो अभी। हाँ, हाँ, माँ को चुनरी चढ़ा देते हैं। हाँ, बाद में तू झूला चढ़ाना। बाबा रामदेव जी, मैं दिल और दिमाग तुम्हारे भरोसे सौंपी बैठी हूँ। एक नास्तिक ने माँ के चरणों में मस्तक झुकाया और वही मेरे दिल में समा गया है, और वो राजा प्रेम कर बैठा, और अगर प्रेम करना अपराध है तो यह अपराध मुझे मंजूर है। आप पिता हैं और मैं बेटी, बेटी अपने दिल की बात किससे कहे? प्रेम के पद पर पैर रखने से पहले तुम्हें सोच लेना चाहिए बेटी। प्रेम का पद ऐसा ही होता है बापू, जो विचार और व्यवहार के पद पर चलने के बदले कांटों भरी राह पर होता है। किंतु तुम्हारे माथे पर विभूति का तिलक है बेटा। याद करो वो दिन जब हम लोग मारवाड़ से तेरे रामदेव जी की मंदिर की यात्रा पर निकले थे। याद करो बेटा, सुख से गुजरात और सूरत की यात्रा पर जाओ, तुम्हें अलग धनी का आशीर्वाद
लेकिन एक बात याद रखना बेटा, आने वाली भादव की एकादशी को यहाँ आकर पी रामदेव की मंदिर में ध्वजा चढ़ाकर ही तभी तुम्हारे मस्तक पर तुम्हारे सुहाग का तिलक लगाना, शादी का जोड़ा पहनना बेटा, नहीं तो तुम्हें जीवन में बहुत बड़ी परीक्षा देनी पड़ेगी। ठीक है महाराज। बोलो बेटी बोलो, अब क्या है तुम्हारा जवाब? विभूति के तिलक पर सुहाग का सिंदूर लगाने का परिणाम सोच लेना। मैं तो जगत व्यवहार से ही तुम्हारा बाप हूँ, लेकिन तू तो बेटी है बाबा रामदेव पीर जी की। तो बेटी बाप को विनती करती है, मेरा एक पैर भक्ति के मार्ग पर तो दूसरा प्रेम पद पर है, अब वहाँ से वापस आना मुमकिन नहीं। बेटा रूप, कर लो बेटी की कसौटी। भक्तों की कसौटी करना ये तो तुम्हारी जगजूनी परंपरा है, और आपने कसौटी किसकी नहीं की? भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, तब 999 वस्त्र आप ही तो लाए थे ना? द्रौपदी ने तो द्वारिकाधीश को राखी बांधकर भाई माना था। द्रौपदी ने तो सिर्फ भाई ही माना था, मेरे तो मायके के सारे रिश्ते इनके चरणों में समाये हैं। बाबा रामदेव, मैंने इस चुनरी से वासना की गांठ नहीं बांधी, मेरी अटल श्रद्धा की भक्ति बांधी है। फिर भी अगर कसौटी करनी हो तो कर लो। बेटा रूप, आप पिता हैं और मैं आपकी बेटी, लेकिन इतना याद रखना, इस कसौटी में से बचाने तुम्हें ही आना है। कामदार, अरे ओ कामदार। हाँ आया बापू, आया। अरे कहाँ हो कामदार? आया बापू, खम्मा बापू को हुकुम करो बापू। कामदार जी, ये राजगढ़, राज सिंहासन और ये सत्ता, सब कुछ मुझे अब धूल मिट्टी की तरह लगता है। ये क्या कह रहे हो अन्नदाता? अरे ये राजगढ़ और राज सिंहासन जो है, तब तक ही तो आपकी महत्ता है बापू। नहीं नहीं कामदार, ये सत्ता, महत्ता, मान और सम्मान सब सांप जैसे खाल उतारता वैसे मैं उतार कर फेंक देना चाहता हूँ। अरे बापू, फन बिना का नाग, दहाड़ बिना वनराज, सिंह और गर्जना बगैर का मेघ, और वैसे ही राज सत्ता बगैर राजा की कोई तुलना नहीं। कामदार तुम मुझे उपदेश मत दो, लेकिन मैं तुम्हें उपदेश देता हूँ कि अमर सेन को संदेश भेजो कि इस राज ब्याह कर अपना राजगढ़ और राज सिंहासन संभाल ले। ठीक है बापू, मालिक का भी कोई मालिक है, पर बापू अमर सेन यहाँ इस राजगढ़ में नहीं आएगा। अरे अगर आपके हाथों में समाधान का उजला अमृत भी होगा तो भी उस अमर सेन को वो राजनीति का कालिक ही दिखेगा। कामदार जी, उसे मेरी बात पर विश्वास आ जाए ऐसा कोई उपाय? अभी भी कहता हूँ बापू, घड़ी दो घड़ी के वैराग्य पर पैर रख कर सोचो कि इसका परिणाम क्या होगा। अरे हाँ, परिणाम तो अच्छा ही आएगा कामदार, पर अमर सेन मेरा भाई इस महल में आया ऐसा कोई उपाय बताओ। ठीक है बापू, जैसा विधि का विधान। उसे संदेश भेजो और कहो कि मुझे अपने पाप का पछतावा हो रहा है, अरे इस राजगढ़ का सच्चा वारिस तू ही है, तू, अरे जिस राज सिंहासन पर दुश्मनी की आग बरसती हो, वो राजगद्दी मुझे नहीं चाहिए, मेरे भाई मुझे नहीं चाहिए। लेकिन बापू ये संदेशा पहुंचाएगा कौन? माँ, भाई माँ, अरे अरे उसे उसके वचन पर विश्वास है। मेरे वचन में विश्वास रखो, माँ खोड़ियार ने ही दुश्मन के दिल में इंसानियत का दिया जलाया होगा। भाई माँ, आपके वचन पर विश्वास रखकर मैं सुलगती आग से गुजर सकता हूँ, लेकिन दुश्मन के वचन पर विश्वास नहीं कर सकता। भाई माँ, दुश्मन ने अगर दगा किया तो मैं चारण राजगढ़ की दीवारों पे अपना खून छिड़कूंगी। नहीं,
माँ के चिड़के खून के राज सिंहासन पर अमरसेन राज भोगेगा। नहीं माँ, राजगढ़ जाने का इरादा बदल दो। अरे आपका आशीर्वाद होगा तो अमरसेन दुश्मन का खून चाट कर राजगद्दी फिर से हासिल कर लेगा। काड़ूवाक को मैंने वचन दिया है कि अमरसेन को लेकर मैं राजगढ़ आऊंगी। मेरा वचन अगर झूठा पड़ेगा तो कोई राजपूत चारण की वाणी पर विश्वास नहीं रखेगा। भाई माँ, जब जब कभी राज सिंहासन के लिए तलवारें उठी तब चारण ने ही समाधान करवाया है। समाधान तो राजपूतों में होता है माँ, लेकिन काड़ूवाक तो राजपूताना धर्म भूल चुका है, इंसानियत का मार्ग भूल चुका है। नहीं, काले नाग के सामने जाकर समाधान का मार्ग ढूंढना है। नहीं माँ, मुझे तो इसमें अमंगल के इशारे नजर आते हैं। मंगल करने वाली तो माँ अम्बा। चलो अमर, नहीं तो दुनिया बातें करेंगी कि धाई को माँ खोड़ियार पर श्रद्धा नहीं रही, जोग माया के विश्वास की जोत बुझ गई। चलो बेटा, तुम्हारा राज सिंहासन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो ठीक है धाई माँ। मेरा भाई आ गया। भाई, इस राजगढ़ का सच्चा वारिस आ गया, इस राज सिंहासन का सच्चा हकदार आ गया। भाई भाई, माँ खोड़ियार मुझे सपने में आकर कह गई कि काड़ूवाक, इस राज सिंहासन का सच्चा हकदार तो अमर सेन है, उसे ये राज सौंप दो। मेरे भाई भाई भाई, राजगद्दी के लिए, अरे राजगद्दी के लिए कौरव और पांडवों ने युद्ध किया था, पर उन लोगों ने क्या पाया, इसीलिए राजगद्दी के लिए अमर सेन, हम हमारे वंश को खत्म नहीं कर सकते हैं। नहीं, मैं वारी जाऊं। माँ खोड़ियार तुम्हारी हमेशा रक्षा करे, अंत में खून के रिश्ते ने ही भाई का साथ दिया। हाँ धाई माँ, आपके आशीर्वाद से मेरी आंखों पर पड़े हुए स्वार्थ के पर्दे दूर हुए। अब तो अमर सेन का राज तिलक करके मुझे माँ जगदम्बा की भक्ति करनी है। माँ जीते रहो बेटा, जगत के इतिहास में लिखा जाएगा कि एक सच्चे राजपूत ने उसके सच्चे हकदार को उसका राज लौटा दिया। सच कहूं धाई माँ, आज मेरे दिल में उत्साह की सीमा नहीं है। अरे कोई शक्कर की बोरिया लाओ, कोई मिठाई की थाली लेकर आओ। माँ, अरे मेरे भाई का मुंह तो मीठा करवाओ। लो भाई, मुंह तो मीठा करो। नहीं भाई। लो भाई, मेरे भाई। भाई काड़ू, अरे ये जोत क्यों बुझ रही है, कुछ कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला? आओ मेरे भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरे भाई, आज मेरी खुशी की सीमा नहीं है। बैठो भाई, यहाँ बैठो भाई। कामदार जी, अरे राज सिंहासन को तो सजाओ, राजगढ़ में दिए लगाओ, अरे शुभ घड़ी आ गई है। अरे डलवा लो देवियों, डलवा लो, टूटी हुई खटिया में रस्सी कीला पाया, डलवा लो खटिया बनवा लो, आओ खटिया बनवा लो। ए भाई, मेरी खटिया में रस्सी लगा दो। अभी लगा देता हूँ, खटिया को तो चूर चूर कर दिया है। ए भैया, खटिया में लकड़ी लगा दो। लगा देता हूँ, आपने तो रस्सी खींच खींच के लकड़ी तोड़ डाली है। ए बाजू हटो, बाजू हटो। हाँ, ओह, खटिया में से तो प्रसूति और सुहादाने की खुशबू आ रही है। अरे तेरी तो, मेरे सामने देख, मेरे सामने देख, पिछले 30 साल से मेरा पति भाग गया है, समझा? भाग ही जाएगा, इसमें नहीं टिकेगा। अरे पिछले 30 साल से मैंने किसी मर्द के सामने देखा तक नहीं। हाँ तो देखो ना, फिर भले ही देखा देखी हो जाए। बुड्ढी हंस पड़ी। अरे एक बात पूछो, तुम्हारे सारे दाढ़ी मुझ हरी हरी क्यों है? वो तो है ना, हमारे कुल में गिरगिट पूछते हैं, इसलिए हमारे कुल के मूल के रंग बदलते रहते हैं। हाँ, परसों देखती तो लाल थे, अब 2-3 दिन बाद देखोगी तो पीले हो जाएंगे। एक खटिया वाला, तुम चुपचाप इस खटिया में पाया डाल दो, नहीं तो तुम्हें छील डालूंगी। ओहो, ये मेरी खूसट बुढ़िया,
तो इस खटिया के पाए जीतती है, लेकिन है बहुत धमाकेदार हो। पक्का इसके कुल में चचुंदर को पूछते होंगे ये खटिया कैसे बनाऊं समझ में नहीं आ रहा। अरे मेरे गले में खटिया। अरे अमावस के सपूत तो लोगों की खटिया बनाएगा। अगर आज तुझे ठीक नहीं किया ना तो मेरा भी नाम साकर नहीं। हाँ चल चल अभी बताती हूँ चल। क्या समझता है अपने आप को? बाहर इस बात का समझता है। आजा आजा अभी बता देती हूँ। बेटा गांगर जवाहिराज, बेटा गांगर जवाहिराज, बेटा गांगर जवाहिराज कहाँ गया? इधर वहाँ देखो। गांगर ये जवाहिराज, यहाँ कोई तुम्हारा गांगर नहीं रहता। मेरा कपूत, मेरा बेटा होते हुए भी भेष बदल कर बंजारों की लड़कियों से मिलने आता है तू यहाँ? जवाहिराज ये सोनगढ़ के कामदार का जवाई अगर सात पाताल में छुप जाए ना तो भी पकड़ा जाएगा। सिपाहियों पकड़ लो इसे, पकड़ लो, पकड़ लो। तो अपनी बेटी मेरे साथ जाने के लिए मुझे कामदार जबरदस्ती पकड़ कर ले जा रहा है। अरे दौड़ साकर दौड़ बचा। अरे एक गांगड़ा, गांगड़ा। अरे साकर तुम्हें देख कर ये गांगड़ पानी पानी हो जाता है। चुप सिपाहियों देख क्या रहे हो, ले चलो इसे। अरे अरे चलो। अरे सुन तो सही, जाते जाते मेरे खटिया में पाया तो लगवा के जा। अरे बगैर पाए की खटिया जैसी बेपेंदे की लोटी, तू तो मेरी खटिया का खेल ही बिगाड़ दी। अरे चुप चलो ले चलो इसे, ले चलो। अमर अमर सिंह, मेरे मन में तो अमंगल की आंधी उठी थी, वहम का अंधकार छाया था, जोत के झपकने से मेरा मन तो बैठ ही गया था। रो, माँ की जोत झपकने से तो मुझे नया जीवन मिला है। हाँ? जोत की आग से तो माँ ने दुश्मन को जलाया है। झूमर। अरे बापू झूमर तो कब से टूट गया, ये तो आपका भ्रम है। तो अमर सिंह बच गया? कालू वाघ राजगढ़ का दरवाजा खोल के अपना काला मुंह तो दिखा कल मुहे। मेरे वचन के साथ विश्वासघात किया, श्राप देके इस राजगढ़ को जलाओ तो मेरे बड़ों के आशीर्वाद पर लांछन लगेगा। धाई माँ क्रोध को शांत करो। अरे आपके आशीर्वाद से और माँ खोड़ियार के प्रताप से तो मैं बच गया। तुम बच गए इसीलिए तो बेटा मैं जीवित हूँ, नहीं तो ये राजगढ़ की दीवारों पर मेरा खून छिड़क के और राजगढ़ के आंगन में मेरी कब्र खुदवाती तो फिर हमारे भी जान में जान ना होती। धाई माँ कालू वाघ, तेरी रगों में अगर राजपूतों का खून है तो दरवाजा खोल, किए हुए कर्मों का पश्चाताप करके मुआफी मांग कल मुहे। माफी? माफी और मैं मांगू? कामदार जी खोल दो गढ़ के दरवाजे, भले गढ़ के आस पास चारण का खून छिड़के। अरे मेरी तलवार तो कब से खून की प्यासी है, लाओ मेरी तलवार। समय पहचानो बापू, दरवाजा खोला तो अनर्थ हो जाएगा। धाई माँ की आवाज से नागिन की फुंकार और शेरनी की दहाड़ सुनाई दे रही है। धाई माँ शांत हो जाइए, दुहाई है आपको माँ खोड़ियार की, सौगंध है आपको माँ जगदम्बा अम्बा भवानी की, जो एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। रूपमती मान जाओ माँ, मान जाओ। अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं एक राजपूत के किए प्रण के दाग को धोने के लिए अपना सर काट कर अपने खून से आपके चरण धोऊंगा। अमर हाँ। राजपूत का खून चारण के कदमों पर छिड़के तो चारण की झोपड़ी में माँ जगदम्बा जन्म नहीं लेगी। प्रेम की बोली से भाई के अंतर को तो तुमने बांध लिया है, अभी तो एक ही निर्णय कि आज से तीन दिन में या तो तुम्हारे माथे पर सोनगढ़ के राज सिंहासन का राज तिलक लगेगा या तो माँ खोड़ियार के आंगन में मेरी समाधि। ए मेरी जोग माया, मेरी तलवार की धार पर सुलगती बिजली बनकर वास करो,
माँ खोड़ियार के आंगन में धाई माँ समाधि लेगी तो मैं तुम्हारी ये जलती हुई जोत बुझा दूंगा और मैं भी अपने प्राण को त्याग दूंगा। अब तो एक ही निर्णय है, या तो सोनगढ़ का राज या मौत। माँ खोड़ियार, आज से अन्न जल का त्याग करके तुम्हारे आंगन में बैठ जाऊंगी, या अमर को उसका राज वापस दे दो, नहीं तो मैं अपने प्राण तुम्हारे चरणों में त्याग दूंगी। बेटी, राज सिंहासन के लिए हथियार मत उठाओ, नहीं तो राज सिंहासन तुम्हारे प्रेम का बैरी हो जाएगा। अगर ऐसा समय आएगा तो जिंदगी भर के लिए मैं अपनी प्रीत को कुर्बान कर दूंगी। एक जोग माया खोड़ियार के आंगन में समाधि ले और मैं देखती रहूं। ना बापू ना, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इस विभूति के तिलक सहित मेरी समाधि बन जाएगी, इतना ही ना, तो आते आते अमर के नाम का सिंदूर तिलक मैं पहुंच दूंगी। बेटा रू, क्या कहा, अमर सिंह ने राज पर हमला किया है? हाँ बापू। अरे बापू, अमर सेन ने तो गढ़ के दरवाजे तोड़ दिए। तो तुम उसके स्वागत की तैयारी करो। ठीक है। अरे बापू, ये अमर सेन तो राजमहल के अंदर पहुंचने वाला है। महल में? हाँ। ये तो अच्छी बात है कामदार, शिकार खुद ही जाल में फंसने आ रहा है। आपके और माँ खोड़ियार के आशीर्वाद से राज सिंहासन पर विजय हासिल कर ली है। माँ खोड़ियार की जय हो, कल ही राज तिलक की तैयारी करवाओ। धाई माँ,
अमर सेन के मस्तक पर राज तिलक आपके हाथों ही होगा। हाँ दाई माँ, ठीक है ठीक है। कामदार यहाँ आओ। अरे आओ आओ भूली, बहुत दिनों बाद रास्ता भूली। बोल क्या नया है? अरे ये बात सोलह आना सच है कामदार। हाँ? ये अमरसेन है ना। हाँ? इसे कल धाई माँ के हाथों सोनगढ़ के राज सिंहासन पर राज तिलक लगेगा। अमरसेन का राज तिलक और वो भी धाई माँ के हाथों। हाँ, से हाँ? हाँ? अमरसेन का राज तिलक वो भी धाई माँ के हाथों। महाराजा अमर सेन की जय। 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 रुक जाइए पुरोहित जी, अमर सेन का राज तिलक तो धाई माँ के हाथों ही होगा। ठाकुर, राज तिलक तो राज पुरोहित के हाथों ही होता है। ये राज सिंहासन और राज ध्वज की परंपरा है। जो इस परंपरा को मान देता है उसका ही इस राज सिंहासन पर राज तिलक होता है। इस राज के राज पुरोहित के नाते मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, मस्तक झुकाओ ठाकुर, मुहूर्त की शुभ घड़ी बीती जा रही है। अरे पुरोहित जी, अमर सेन के मन के लिए शुभ चौघड़िया वही है जिसमें धाई माँ का आशीर्वाद है। उनके आशीर्वाद के प्रताप से ही तो आज सोनगढ़ के राज सिंहासन पर मेरे मस्तक पर राज तिलक हो रहा है। ठाकुर, राज तिलक का एक कुमकुम यदि आपके मस्तक के बदले कहीं धरती पर गिर गया तो फिर इस जन्म में इस राज सिंहासन पर तुम्हारा राज तिलक नहीं होगा। ठाकुर राज पुरोहित जी, राज तिलक का यह कुमकुम अगर धरती पर छिड़क दिया तो ये अमर सेन अपनी धाई माँ के चरणों की धूल मस्तक पर लगाकर इस राज सिंहासन पर बैठेगा। ठाकुर ठाकुर, धाई माँ का समाचार लेके आया हूँ। ठाकुर, धाई माँ का समाचार? धाई माँ को कालू बाघ उठा ले गया। कालू बाघ? कालो! राज तिलक का कुमकुम धूल में मिल गया। सिपाहियों, सभी अपने अपने घोड़े निकालो। अमर सेन, तुझे अपनी धाई माँ के दर्शन करना है तो काल भैरव के खंडहर की पश्चिम दिशा में अकेले आना। लेकिन एक बात याद रखना, अगर तुम सेना लेकर आओगे ना तो तुम अपनी धाई माँ के शव के भी दर्शन नहीं कर पाओगे। तुम्हारा कालू बाघ। कालू बाघ राजपूतों के इतिहास के पन्नों पर तू कलंक का काला दाग है। काला दाग? अरे कलंक का काला दाग हो या कुमकुम के छींटे, इसकी तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। धाई माँ, आज कालू बाग के हाथों अमर सेन के खून से एक अनोखा इतिहास लिखा जाएगा। ऐसा काला लेख तो कभी लिखा नहीं जाएगा कालू बाग। जो माया जगदम्बा के ध्वज पर लेख तो तुम्हारी मौत का लिखा है। तो ऐसे लेख लिखने वाले विधाता की मैं उंगलियां काट दूंगा। सुधर भी जाओ अभिमानी, मुझे तो दूर दूर तक तुम्हारी चिता की आग नजर आ रही है। श्राप दे रही हो मुझे तुम? श्राप दूं? और वो भी तुझे, जिसके सर पर पाप के कर्मों के काले बादल बरस रहे हो उससे? ना ना, माँ के श्राप से तेरी मौत हो जाए तो मुझे तुम्हारी मौत से खुशी होगी। अमर सेन की मौत? और चारण जिसके मौत से खुश हो जाए वो तो हमेशा उसकी जीत होगी। जिसके हाथ लोगों के खून से रंगे हो, जिसने अपने बहन भाई को अपने हाथों से मारा हो, ऐसे पापी को मुक्ति मिले, लेकिन मौत से तुझे मुक्ति मिले ऐसे जोग माया जगदम्बा को मंजूर नहीं। कालू बाग, धाई माँ, कालू बाग आया, आया, मेरा अमर आया, मैं गर्जना करते मेरा बेटा आया। शेर, अरे कहाँ है तू कालू बाग? आओ अमर सेन आओ। कालू, मुझे लगा कि राज सिंहासन के मोह में तुम्हें अपनी धाई माँ की ममता याद ही नहीं आएगी। अरे कालू बाघ, धाई माँ के चरणों की धूल में तो ऐसे कई राज सिंहासन कुर्बान कर दूं मैं। बोल कहाँ है धाई माँ? धाई माँ के दर्शन की इतनी जल्दी है तुम्हें?
तो लो अभी करवाता हूं दर्शन। थाई माँ को छोड़ दो। लो अब जी भर के धाई माँ के दर्शन कर लो। अरे तेरे 100-100 सैनिक और ये अमर सेन अकेला। पर सोच लेना कालूबाग, मौत के इस मैदान से अपने कदम पीछे मत हटाना। अमर बेटा जाओ धाई माँ जाओ। धाई माँ का सिंहासन मुबारक हो तुझे। मैं कौन? कौन से गढ़ का गांगड़ कामदार? क्यों रे? गढ़ के दरवाजे में तोरण बन गई? जी मालिक। और सुन, राजगढ़ के आंगन में मोतियों से चौक फूट गई? हाँ मालिक। हाँ, तू बता, राज तिलक की तैयारियां हो गई? जी मालिक। मैं कौन? सोनगढ़ का गांगड़ कामदार। इसमें क्या है? शक्कर। ये शक्कर देख के मैं पानी पानी हो जाता हूँ। कहाँ ले जा रही है? बेचने। ओह, पागल की तरह बात मत कर। ये शक्कर बेचने की नहीं है, ये तो मेरे अकेले की है। दाई माँ आशीर्वाद दो। जोग माया जगदम्बा तेरी रक्षा करे, वर्षानुवर्ष तेरा राज रहे। महाराजा अमर सेन की जय। महाराजा अमर सेन की जय। महाराजा अमर सेन की जय। माँ खोड़ियार, आज मेरी प्रतिज्ञा पूरी हुई। आपके सामने ये चुनरी ओढ़ा रहा हूँ। चुनरी ओढ़ाने से पहले जरा सोच लो ठाकुर, तुम ठाकुर अमर सेन हो, राजमहल में रहने वाले, और मैं तो ठाकुर, तो मैं सोनगढ़ का हूँ, तेरा तो मैं अमर सेन, और ये चुनरी मैं राजगढ़ के आंगन में नहीं उड़ा रहा हूँ, माँ खोड़ियार के आंगन में उड़ा रहा हूँ। हाँ तू
दे दे रे। लचकाता जो बनिए दे दे रे, छलका तारे मलका तारे, रंगीला रंगीला जो बनिए दे दे रे। समाचार बहुत बुरा है। वहाँ अमरसेन रूपमती की मांग में अपने प्यार का सिंदूर भर दिया और विवाह की चुनरी भी उड़ा दी। आ? विवाह की चुनरी उड़ा दी? हाँ, उड़ाई भी तो क्या उड़ाई कि दो चार दिन में बाजार में घूमने वाली बंजारन रानी बनके राज सिंहासन में बैठ जाएगी। वो बंजारन राज सिंहासन पर बैठेगी और मैं यहाँ खंडर में बैठे बैठे देखता रहूं? अरे बापू, ये तो समय की बात है, देखना ही पड़ेगा। तो सुन लो कामदार जी, जी प्रजा के बड़े लोगों को फोड़ लो और सब लोगों को ये अच्छे से समझा दो। हाँ? प्रजा के मुंह में सिर्फ एक ही बात होनी चाहिए कि राज सिंहासन पे राजपुताना ही बैठेगी, कोई बंजारा नहीं। अरे पर बापू, इन सब से हमको राज सिंहासन थोड़ी मिल जाएगा। तुम समझते क्यों नहीं हो कामदार कि अमर सेन राज सिंहासन छोड़ने को तैयार हो जाएगा
पर बंजारन की प्री नहीं छोड़ेगा। रुक जाओ ठाकुर, अपने ठाकुर को राजपूत होने का एहसास दिलाओ। तुम कहना क्या चाहते हो? कहना तो वो है जो तुम आसानी से समझ सको, पर ठाकुर तुम राज सिंहासन की शान भूल रहे हो। राजमहल में रहते हुए बंजारों के साथ रहना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम्हारा ठाकुर अगर बंजारों की बस्ती में जाए तो क्या ये उसका अपराध हुआ? आज तुम बंजारों की बस्ती में जा रहे हो और कल कोई बंजारन इस राजगढ़ में भी आ जाएगी। माँ खोड़ियार के सामने मैं रूपमती की मांग में सिंदूर भरकर विवाह की चुनरी उड़ाई है, तो क्या तुम्हारा ठाकुर अपनी बात से बदल जाए, वचन पर विश्वासघात करे? राज सिंहासन के साथ बंजारों का कोई मेल नहीं होता ठाकुर। अरे जो राज सिंहासन मानव के हृदय की ममता को मार डाले वो राज सिंहासन अमर सेन को नहीं चाहिए। अमर सेन? हाँ धाईमा हाँ, जहाँ मानव और मानवता बटे हुए हैं, राजनीति का मोहरा बन के खुद के मन के साथ ही खिलवाड़ करके जीना हो, ऐसे राजगढ़ में मुझे नहीं रहना है। तो राजगढ़ छोड़ के बंजारों की बस्ती में राज करो, हमें हमारा दूसरा ठाकुर मिल जाएगा। दाई माँ, अब आप आई हो तो आप ही बोलो, आपका फैसला हम सबको मंजूर होगा, राजमहल में राजपूत की बेटी रहेगी या बंजारों की बेटी? मैं राजपूत ही हूँ। देखो देखो क्या बोल रही है, देखो देखो। हंस लो तुम लोग, नारी की आबरू उतरते देख पुरुष हमेशा हंसते ही आए हैं। अरे हंसेंगे नहीं तो क्या रोएंगे, बंद करो अपनी बकवास, राजपूतनी हो तो साबित करो। मनुष्य के खून का रंग कुदरत ने एक जैसा ही दिया है, राजपूत को खून का रंग अलग दिया होता तो कटार से कलेजा चीर के सबूत दे देती। सोनगढ़ की राजरानी होने की आशा तो मैंने कभी नहीं रखी थी। मेरी और अमर सेन की प्रीत का लेख जोगमाया जगदम्बा ने लिखा है, इसलिए मैं यहाँ चली आई। तुम्हारा ठाकुर तुम सब से जवाब चाहता है, इस राजपुतानी को तुम सब राजरानी स्वीकारोगे या नहीं? हम सबको रूपमती रानी के रूप में स्वीकार है। बेटा रूपमती, माँ खोड़ियार के सामने तेरे माथे का लाल सिंदूर और शादी का जोड़ा हम सबको मंजूर है। अमर सेन और रूपमती की शादी धूमधाम से की जाए। माँ, मेरी बेटी के सिर पर माता खोड़ियार के आशीर्वाद से विवाह का सिंदूर लगने की शुभ घड़ी आई है, पर यह विवाह होगा तो भादों की 11वीं तिथि को। ठाकुर, भादों की 11वीं को वर राजा बन के रणुजा के पीर रामदेव के मंदिर में आ जाना। अरे साखर, अब जल्दी से सामान बांध ले, रणुजा के मार्ग पर माँ अंबाजी का मंदिर आएगा, वहाँ माँ का दर्शन करके फिर रणुजा चलेंगे। अब जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा ठीक है। अरे पर तू कहाँ जा रही है? अरे मुझे सामान बांधना है बाबा, छोड़ मुझे। अरे पगली, ये सामान बांधने का टाइम नहीं है, ये तो सामान खोलने का टाइम है। ये तो सामान छोड़ने के बदले मुझे ही छोड़ के चली गई। मानवता की माया रखना और नैनों में, और नैनों में रखना स्नेह, पानी बनकर तुम बरसना। ए मेरे महंगे साड़ी में। अरे भाई तू क्या कर रहा है वहाँ बाहर? ठाकुर का घोड़ा उगाड़ा खड़ा है, उसको तैयार करो, विवाह में ले जाना है। बिल्कुल मालिक। अरे बेटी माला टूट गई? नहीं 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 नहीं, फूल टूट गए माला बन गई। जी हाँ, हाँ, मालिक। अरे और तुम दोनों क्या कर रही हो? ठाकुर की शादी है, ऐसे करोगी तो कैसे काम चलेगा? ओ हो, बूढ़ी होती जा रही है लेकिन बच्चों की तरह उछल कूद नहीं गई है। गंगड़। ओ गंगड़। हाँ जी बापू। मैं अकेला ही मारवाड़ जा रहा हूँ,
रूपमती को शादी के बाद वापस लेने। अकेले ही? हाँ ठाकुर, महाराजा होकर अकेले शादी करने जा रहे हो? और मैंने तो यहाँ पूरी बारात की तैयारी कर रखी है। अरे ऐसे 10-15 घोड़े सजा के तैयार रखे हैं, ऐसे दास दासियों को सजा रखा है, 10-12 हाथियों पे सोने की हंडियां रखी जा चुकी है, बन ठन के बैठी औरतों के गले में सिर्फ शादी के गीतों की आवाज आए इतनी ही देर है। ए सोनागढ़ का राजा हमारा ब्याह करने जा रहा। बस 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 गांगड़, बारात लेके तो राजमहल में जाते हैं, मैं तो जा रहा हूँ पीर रामदेव जी के मंदिर में रूपमती को ब्याह की चुनरी उड़ा के अलग धनी का आशीर्वाद मांगने। तुम रूपमती का स्वागत करने के लिए सामने आना, सोनगढ़ की राजरानी को जो शोभा दे ऐसा उसका स्वागत करना। अरे ठाकुर, स्वागत में तो कोई कमी नहीं होगी, पर जल्दी से जल्दी मेरा मुंह भी मीठा हो जाए, उसके लिए मेरी साकर को भी अपने साथ ले आना। हो यो साकर के बिना तो ये गांगड़ कड़वा करेला हो जाएगा।
गई हूँ, ये क्या देख रही हूँ? जिस आँख के दर्पण में हमने अपनी प्रीत का सपना संजोया था, उस आँख का दीप किसने किसने? रूपमती, अपने मन की आग बुझाने के लिए दुश्मनों ने मेरी आंखों की रोशनी के दिए बुझा दिए। तब तो मैं अपनी इस आंख से तभी इस जगत को देखूंगी जब मेरे धनी रामदेव पीर तुम्हारी आंख की रोशनी तुम्हें वापस देंगे। नहीं नहीं रूपमती, तुम अपनी आंखों में पट्टी मत बांधना। अरे पगली, तुम्हारी आंखों से तो मुझे ये पूरी दुनिया देखनी है। तू तो मेरा सहारा है ना, हाँ? तेरे बिना मुझे रास्ता कौन दिखाएगा? रास्ता, हाँ? रास्ता दिखाएगा मेरा रणुजा कर राजा। नाम मत ले मेरे सामने किसी भी देवी देवता का। धर्म की ध्वजा के सामने सर झुकाया, माँ की मौत के दुख को भुला दिया, मंदिर में जाके भक्ति भाव से प्रसाद लिया, पर इसका परिणाम क्या हुआ? यही कि दुश्मनों के हाथों मेरी आंखों का दिया बुझ गया। विश्वास रखो, विश्वास के दम पर ही हम पार हो पाएंगे। चलो मारवाड़ के रास्ते राम पीर के मंदिर। नहीं रूप, देवी देवताओं के आंगन में जाकर भीख मांगना मैं भूल गया हूं। अब ये अमर किसी भी मंदिर में माथा रगड़कर अपनी आंखों की रोशनी की भीख नहीं मांगेगा। अरे भीख में मांगी हुई आंखों की बजाय अंधेरे में सर टकरा टकरा के मर जाएगा, पर किसी भी मंदिर में पैर नहीं रखेगा। अमर, मैंने अपनी मांग में तुम्हारे नाम का सिंदूर भरा है, तुम्हारे प्यार की ओढ़नी ओढ़ी है, इसी ओढ़नी के अधिकार से तुम्हारी रूप तुमसे विनती करती है, रणुजा के मार्ग पर कदम बढ़ाओ। नहीं रूप, नहीं। दुआई है तुम्हें मेरे मांग के सिंदूर की, सौगंध है तुम्हें चुनरी की इस प्रीत की। नहीं, मेरे साथ चलो, मेरे कदम से कदम मिलाओ। नहीं, गुस्सा थूक दो अमर, मेरा हाथ पकड़ो। चलो 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 अमर, चलो। बेटा रूप, तुम्हारी आंखों पर पट्टी क्यों बंधी है? जिसके प्रियतम के आंख का सूरज छीन लिया गया हो, जिसकी आशा के आसमान पर अंधकार छाया हो, वो इस जगत के सुख को कैसे देख सकती है पुजारी बाबा? ओह, ऐसी बात है। भक्ति के विभूति की जगह तुम्हारे माथे पर विवाह का सिंदूर लग गया। प्रीत का रंग ऐसा ही होता है पुजारी बाबा। तो अलग धनी की आज्ञा से उनकी यात्रा पर निकली थी, किसी के प्रेम को पाने के लिए नहीं, आज्ञा की उल्लंघन का परिणाम है। मांग में प्रीत का सिंदूर भरना, यही नारी की आशा आकांक्षा और अरमान होता है, और यही अरमान और सिंदूर क्या अपराध कहलाएगा? प्रेम की आंधी में देव मंदिर की आज्ञा भूलने वाली छोकरी, तेरा यह अपराध अक्षम्य है। तू क्या बात करती है? वासना के अंधकार में मैं अंधी नहीं बनी पुजारी बाबा, मेरा प्रेम पवित्र है। एक नास्तिक का मस्तक जगदम्बा के चरणों पर झुका के मैंने प्रीत की है, इसका ये परिणाम? इन हाथों में हमेशा खून से भरी तलवार होती थी, यही हाथ मैं देवताओं के मंदिर में नमन करने के लिए जोड़ा, उसका ये परिणाम? जवाब दो, आज एक बेटी अपने बाप के पास जवाब मांगने आई है। बाप की आज्ञा माने, उसी का नाम है बेटी। पूछ अपने प्रेमी से, इसके प्रेम के आवेश में जगदम्बा की ज्योति की परवाह नहीं की तूने। अमर, अनजाने में हुई भूल को माफ कर दे, उसी को माँ कहते हैं। पुजारी बाबा, मैं मंदिर के द्वार नहीं मायके के आंगन में आई हूँ, मैं आपसे सिर्फ इतना मांगती हूँ,
मेरे प्रियतम की आंख की रोशनी अलग के आरती की ज्योत से एक तेज किरण। यह अधिकार तो अलग धनी का है, हिंदुआ पीर का है, रणुजा के राजा का है। मैं तो सिर्फ उनके हुक्म का नौकर हूँ और उनकी आज्ञा का ताबेदार। सुन लिया ना, पीर के मंदिर के पुजारी का जवाब। अरे जिस मंदिर के आंगन में अनजाने में हुए अपराध को तराजू में तौला जाए, वहाँ वहाँ भक्ति कौन करेगा? चल चल रूपमति, चल, मुझे जीवन भर अंधा रहना मंजूर है, चल। अमर, अमर सेन। अरे जो जीवन भर माथा नवा के भी अपनी आंखें गवा दी हो, उसे एक बार भी माथा टेक के क्षमा मांगने का अधिकार नहीं है, चल। अमर। नहीं। पुजारी बाबा, पुजारी बाबा, अलग धनी को विनती करो, रणुजा के राजा को मनाओ, मेरे प्रियतम की आंख की रोशनी अगर नहीं आई तो इस मंदिर के समाधि के आगे अपनी जान देकर अपने प्राण का चढ़ावा चढ़ाऊंगी। पर इसकी आंखों की ज्योति तुम्हारी आंखों की ज्योति छीन लेगी बेटी। इस अगन में भले मेरी आंख चली जाए, अलग के आंगन में मेरी चिता की राख पर से संत जन पांव तले रौंद दे तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा। नहीं रूपमति, नहीं, नहीं। अरे अरे, इसकी आंखों की रोशनी मुझे नहीं चाहिए, तेरा ये प्रेम मेरे जीवन भर का जहर बन जाएगा, चल, चल। नहीं अमर, नहीं, चल। नहीं, मेरा नाथ निर्दयी नहीं है, वो हमारी जोड़ी नहीं तोड़ेगा, मुझे मेरे नाथ पर विश्वास है। नहीं। पुजारी बाबा, आप अलग धनी को पुकारो। ए धरती का तू वीर, अलग धनी अकलंकी तू कहलाए, आज पधारो पीर रामदेव, दया करो हो बड़वाड़ा, सर्वन संत सती भक्तों की डूबती नैया पार करो, हे पीर हिंदवा गरीब नवाजू, धरती पर अवतार धरो रे तू, धरती पर अवतार धरो। चरण
रोशनी आ गई। रूपपति कहाँ है? रूपपति कहाँ है? रूपपति, रूपपति कहाँ है धाइमा? मुझे सबसे पहले रूपपति को देखना है। हाँ, रूपपति कहाँ है? रूपपति कहाँ है? खोल। तेरी ये पत्थर की मूर्ति देख के मेरी आंखों में वेदना की आग जल रही है। आग नहीं रूपमती, मुझे अकेले छोड़ के तुम ऐसे नहीं जा सकती। रूपमती, रूपमती, अरे ऐसी परीक्षा ली आपने? अरे परीक्षा लेनी थी तो पूरी लेनी थी ना। तेरे मंदिर के आंगन में मुझे भी पत्थर का बना देना था इंदुआ पीर। वाह अलग धनी, तुम तो रुणीचे के नाथ हो। बुझा दे ये जलता हुआ मेरी आंखों का दिया। तेरी ऐसी दया इस अमरसेन को नहीं चाहिए रामदेव पीर। माँ अपने आंसू पोछ लो। रूपमती ने प्यार के लिए अपने प्राण की आहुति दे दी, अभी तुम्हारी कसौटी है। रूपमती को सजीवन करने के लिए जगदम्बा, जोग माया, आदि शक्ति तुम्हें आदेश देती है। देख ली आदि शक्ति का आदेश, देख ली उनकी महिमा। अमर सेन की श्रद्धा तो कब की मर चुकी है। श्रद्धा मर गई होगी, लेकिन रूपमती के प्रेम के रूप में तुम्हारा पुरुषार्थ भी मर गया। रूपमती को अगर जीवन दान मिलता हो तो इस पत्थर की मूर्ति पर मैं अपने प्राण डाल सकता हूँ।
रूपमती को सजीवन करने का एक ही तरीका है। जोगनी के पर्वत पर चार युग पुराना नगाड़ा है। यह नगाड़ा जब बजेगा तभी आद्य शक्ति अपने आप प्रकट हो जाएगी। उसके मांग में जो सिंदूर है वो सिंदूर लाके रूपमती की प्रतिमा के मांग में सिंदूर अगर भर दो तो ही वो सजीवन हो सकती है। मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। पर इतना याद रखना, भादो की 11 तक का समय है, 11वीं का सूरज उगे उससे पहले पहुंच जाना। रूपमती, समय खत्म होने से पहले मैं आ जाऊंगा, मैं जरूर आ जाऊंगा। क्या बात कर रहे हो? हाँ बापू, अमर सेन की आंखों की रोशनी वापस आ गई। हाँ। और उस बंजारन को फिर से जिंदा करने के लिए वो अघोर नगर की पहाड़ पर सिंदूर लाने जा रहा है। हाँ हाँ, और उसका समय आज शाम तक ही है। तो ठीक है कामदार। हाँ? उस अमर सेन की स्वागत की तैयारी करो, उसे उस अघोर नगर के पहाड़ पर नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है बाबू। अरे तुम लोग यहाँ बैठ कर मटर कस्ती कर रहे हो और यहाँ अमर सेन आ भी गया। क्या बात कर रहे हो बापू? हाँ। अरे कामदार, अभी अभी तो वो घोड़े पे दिखा था। हाँ? फिर कहाँ चला गया वो? अरे इस तरफ वो गायब कैसे हो सकता? कामदार तुम लोग इस तरफ जाओ और उसे ढूंढो, मैं इस तरफ देखता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। चलो चलो। यहाँ भी नहीं है, आज तो इज्जत का सवाल है, आज तो ढूंढना ही पड़ेगा। चलो। कामदार रस्सी काटो। कामदार, अमर सेन, Oh, my God.
कड़ी मंकोड़ा के गोखवाली ललका के पुतरे मंगाऊ मैं कामरू का मांगू रे मान हे आज दत्तू के मंडप से आया रे दा प्रेम से ले ले अम्मा का प्रसाद अमर